सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube वीडियोस। इट्स मी अमित अना। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 5G के सर्विस कॉस्ट के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे उसकी फ्री सर्विसेज से रिलेटेड, कितनी फ्री सर्विसेज होती है, कितने इंटरवल पे होती हैं और इनका कॉस्ट कितना आ जाता है। दोस्तों इसी के साथ में बात करेंगे उसकी पेड सर्विसेज के इंटरवल और उसके कॉस्ट के बारे में। दोस्तों इसी के साथ में बात करेंगे उसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी होती है और टेक्नीशियंस की क्या अवेलेबिलिटी होती है और हमें कितना डिस्काउंट मिल जाता है स्पेस के ऊपर, वो भी समझेंगे। और लास्ट में जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना सस्ता होता है या फिर कितना महंगा होता है, वो भी समझ लेंगे इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर परचेस कर चुके, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। दोस्तों इसी के साथ आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका इंजन रिलेटेड। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल कैपेसिटी आती है वो आपको 600 ml की आती है। होंडा यूज़ करता है होंडा लूप का सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसकी ग्रेडिंग आ जाएगी दोस्तों आपको 5W30 की। दोस्तों इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपको 305 रुपीज़ की। दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका ओनर्स मैनुअल, यानी कि फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज कितनी होती है, तो दोस्तों इसमें टोटल आपको 3 फ्री सर्विसेज मिलेंगी। जो पहली फ्री सर्विस आ जाएगी वो आएगी आपको 750 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स और 15 टू 30 डेज में। जो सेकंड फ्री सर्विस है दोस्तों, वो आ जाएगी आपको 5500 किलोमीटर्स टू 6000 किलोमीटर्स और 165 टू 180 डेज में। और जो दोस्तों थर्ड फ्री सर्विस है आपकी, वो आ जाएगी आपको 11500 किलोमीटर्स टू 12000 किलोमीटर्स और 350 टू 365 डेज के अंदर। दोस्तों इसी में आपको जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आ जाएगा वो आएगा आपको 305 रुपीस का, जिसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा और वॉशिंग होगी और जनरल चेकअप और सर्विस हो जाएगा। सेकेंड फ्री सर्विस में भी दोस्तों आपका ऑयल चेंज होगा और वॉशिंग होगी, साथ में आपका जनरल चेकअप हो जाएगा गाड़ी का और 305 रुपीस का सर्विस कॉस्ट आ जाएगा। दोस्तों थर्ड फ्री सर्विस में आपका ऑयल चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज हो जाएगा और एयर फिल्टर भी चेंज हो जाएगा। इन तीनों का कॉस्ट आपको 689 रुपीस का पड़ेगा। तो दोस्तों जो टोटल फ्री सर्विसेज के कॉस्ट हैं वो आपको पड़ेंगे 1299 रुपीस के। इसी के साथ में आते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका पेड सर्विस। तो दोस्तों हर 6000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ में इसकी पेड सर्विस का इंटरवल आता है। दोस्तों इसके अंदर आप आफ्टर मार्केट भी करा सकते हैं जैसे ही आपकी फ्री सर्विसेज हो जाए, बट उसके साथ एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि अगर आप मार्केट में जाके करवाएंगे तो आपकी जो वारंटी है जो कि कंपनी आपको फ्री में देती है जब आप परचेस करते हैं गाड़ी, वो लैप्स हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ में आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी होती है। तो दोस्तों इजीली आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिल जाते हैं, सारे के सारे इजीली पार्ट्स आपको 5% से 10% डिस्काउंट तक इजीली अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट आपको आफ्टर मार्केट टेक्नीशियंस भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी, तो कोई भी इस गाड़ी को कोई भी मैकेनिक ईजिली आपका काम कर देता है। और आफ्टर मार्केट अगर आप इसका जनरल सर्विस का कॉस्ट समझेंगे तो आपको सिर्फ 250 रुपीज़ तक का ही लेबर चार्ज लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस के प्राइस क्या क्या आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा एयर फिल्टर आ जाता है। एयर फिल्टर का प्राइस आपको 219 रुपीज़ का आएगा। एयर फिल्टर के साथ आपका सेकेंडरी एयर फिल्टर भी होता है इसके अंदर, जो कि आपको 33 रुपीज़ का आएगा। दोस्तों ऑयल का प्राइस हमारे को 305 रुपीज़ का 600 ml 5W30 होंडा लूप का आ जाएगा। साथ में दोस्तों जो फ्यूल फिल्टर है उसका प्राइस आ जाएगा आपको 250 रुपीज़ का। दोस्तों जो ड्राइव बेल्ट यूज़ होती है इसके अंदर, उसका जो प्राइस है वो आपको आएगा 444 रुपीज़ का। साथ में जो आपका स्पार्क प्लग है उसका प्राइस आ जाएगा आपको 165 रुपीज़ का। और जो आपके फ्रंट ब्रेक शू और रेयर ब्रेक शू है उनका प्राइस आ जाएगा 287 और 287 का दोनों का। तो दोस्तों टोटल आपको ये सारे रेगुलरली रनिंग स्पेस हैं जो कि मैक्सिमम आपके ना किलोमीटर्स क्लॉक करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है इस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है आपको
10.8 पैसा पर किलोमीटर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इनफैक्ट मैक्सिमम हीरो की गाड़ियों के स्टैंडर्ड से, टीवीएस की गाड़ियों के स्टैंडर्ड से काफ़ी कम पड़ता है। इनफैक्ट आप इधर चेक भी कर सकते हैं इसी के सर्विस कॉस्ट का। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगले किसी वीडियो पे। बाकी अगर आपको लगे तो आप चेक भी कर सकते हो, इसी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसी के कॉम्पिटिशन की गाड़ी के भी मिल जाएंगे और दूसरी गाड़ियों के भी मिल जाएंगे। टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड चाओ।